हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने कि हमारे घर में स्नोफॉल शुरू हो गया था और अभी भी जस्ट हो ही रहा है। देखो यहाँ नीचे, देखो पूरी बर्फ़ जम गई है और अभी भी हो रहा है। ये देखो, अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा रांची में, वहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है। वैसे स्नोफॉल काफ़ी तेज़ हो रहा है। अभी मैंने सोचा था बर्फ़बारी रुक जाएगी तो उसके बाद जाऊंगा मैं रांची, लेकिन अब लगता नहीं है कि बर्फ़बारी रुकेगी और ऐसी बर्फ़बारी में जाना पड़ेगा। और यहाँ से देखो घरों की छतों में भी पूरी बर्फ़ दिखाई दे रही है और ऊपर तक ये भी आ रहा है। गौशाला के यहाँ पे देखो घास ला रखी है और वहाँ ऊपर देखो बहुत सारे पक्षी जा रखे हैं, वहाँ पर बैठ रखे हैं। तो इतनी बर्फ़बारी में भी कोई भी पक्षी नहीं दिखाई दे रहा मेरे को यहाँ पे, सब गए होंगे या तो पेड़ों के नीचे या तो ऐसे ही। चलो, हमारे तो घर बने रहते हैं लेकिन जंगली जानवर पक्षी इनको बहुत दिक्कत होती होगी ऐसी बर्फबारी में। दो जगह पे मैं फिसलते फिसलते बचा हूँ और पूरे चांस हैं कि कहीं ना कहीं पे मैं गिरूंगा ज़रूर, क्योंकि बर्फ़ लगी है, जूतों पे चिपक रही है और फिर फिसलन तो होनी ही है। बाकी छाता देखो एकदम टाइट हो गई है, अगर इससे बर्फ़ नहीं हटाऊंगा तो छाता टूट जाएगी, तो इसलिए ऐसा बार बार करना पड़ेगा जिससे इससे बर्फ़ हट जाए। और यहाँ देखो पूरी झाड़ी। इन खेतों की हालत देख रहे हैं आप, इनमें गेहूं है लेकिन अभी कुछ पता नहीं लग रहा है गेहूं का, कहीं कहीं पे हल्का सा, और अभी भी बर्फ लग रही है तो सब दबने वाला है ये। यहाँ देखो ऐसी होती है बर्फबारी और ये होता है पहाड़ों का जीवन। चाहे बर्फबारी हो, धूप, बारिश, कुछ भी हो, अपना काम तो करना ही पड़ता है। और आज मैं शॉर्टकट वाले रास्ते आया हूँ। यहाँ से देखो यहाँ पर कोई भी नहीं गया हुआ है अभी। तो अब जाकर मैं गांव में पहुँचने वाला हूँ, 150 मीटर और होगा। और यहाँ पीछे आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा। अरे यार, दिखाई भी दे रहा है क्या? हाँ, पीछे वो गुलाबी कलर का, तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता है, तो शायद वो भी आएगा, तो वहाँ पर चलते हैं थोड़ी देर। और यहाँ से देखो पूरी बर्फ की सफ़ेद चादर बिछने लगी है। बढ़िया, बर्फबारी अभी और तेज़ हो गई है। फिलहाल चाय पीते हैं और देखो अभी जाना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा। ये ओवर एक्टिंग है। घर से तो निकला था कुछ सामान लाने के लिए लेकिन बाहर अब मुझे नहीं लगता मैं अभी जा पाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर हीटर लगा हुआ है और पीछे देखो हमारी ट्रॉफी। ये देखो, मंगोली में हम उप विजेता रहे थे और ये हमारा कैप्टन जबरदस्ती पकड़ा रखी है। बर्फ तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल दोस्त तो नहीं आ रहे, मुझे कुछ सामान लेना है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, अब ज़्यादा नहीं रुक सकता मैं। ये देखो
जल्दी से गांव में जाते हैं, सामान लेते हैं और फिर मैं भी निकलता हूँ घर के लिए, क्योंकि अब नीचे जाने में ना और ज़्यादा फिसलन होगी और फिर धड़ाम धड़ाम अब होगा। अभी तक तो मैं घिरा नहीं कहीं पर भी, लेकिन अब पूरे चांस हैं। और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, 5 बज गए हैं, तो मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा था शॉर्टकट वाले रास्ते से कोई नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ भी लोग आए हुए हैं। और अभी हमने वो नीचे वाले घर में चाय पी थी। अब जाकर मैं सड़क में पहुँचा हूँ और रोड की हालत देखो, यहाँ पर गाड़ियाँ चली होंगी तो टायरों के निशान बने हुए हैं। और रोड से नीचे की तरफ देखो भाई साहब, क्या कमाल का नज़ारा दिख रहा है। और मुझे अब घर जाते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, यहाँ से जाना है मुझे नीचे, मैंने कल भी दिखाया था आपको। चलो जैसे तैसे गांव में पहुंच गए, अब सामान लेते हैं फटाफट। प्रणाम जी। नमस्ते भाई, ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया। पैसे गिन रहे आज? अरे नहीं यार, कहाँ पैसे यार इस बारे में। नमस्ते, क्या हाल? दिन क्या हाल? सुन बढ़िया, कहाँ से आ रहे हैं अभी? ओके बाय। अच्छा बोली चला? हाँ रुक जा, रुक जा, रुक रुक। फूल पहाड़ी, फूल पहाड़ी बड़ा भाई जी। अरे वाह, रोड पे बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा है। हम यहाँ से ऊपर वाले मार्केट जा रहे थे, लेकिन आगे पे थोड़ा चढ़ाई है ना, तो वहाँ पर गाड़ी ऊपर चढ़ी ही नहीं, तो बस ये देखो गाड़ियों में कितनी सारी बर्फ़ जमी हुई है। ऊपर जो भी पोल लगे हैं उनके तार बिल्कुल लूज पड़ गए हैं, क्योंकि उन पे बर्फ़ है। और फिलहाल हर दुकान के सामने आज आग जला रखी है। हमारे नए वाले घर पर भी देखो कितनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी नहीं जा सकता वहाँ पे, क्योंकि देखो अंधेरा होने वाला है, तो अब जल्दी से निकलता हूँ मैं घर के लिए। चलो सामान तो रख दिया है और स्नोफॉल अभी भी हो रहा है। छाता ऑन, ठीक चाकस भाई? बाय। ओके बर्फ़ में मुझे पता ही नहीं लगा कि इतना अंधेरा कब हुआ है। बर्फ़ चमक रही ना तो अंधेरे का पता नहीं लग रहा है, तो मैं तो जल्दी जल्दी जाऊँगा अब। क्यों भाई लोगो? यस बाइक की देखो क्या हालत हो रखी है, हर जगह बर्फ ही बर्फ। इसमें कवर भी डाला हुआ है, ये देखो। अब तो क्या ही कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता मैं आज अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच पाऊंगा। ऐसे रेंग रेंग के जा रहे हैं हम। यहाँ पर देखो रास्ता पूरा स्लीपी हो रखा है। यहाँ तो क्या ही कहें। शाम के 6:15 हो गए हैं और मेरा अभी घर जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इन रास्तों पे बहुत ही ज़्यादा फिसलन है और बहुत टाइम लग रहा है। अभी भी मुझे 1/2 किलोमीटर और जाना है नीचे, और अंधेरा तो आपको पता ही है इतना हो गया है। चलो फाइनली घर में पहुंच गया हूँ। सिर्फ एक जगह पे फिसला, किस्मत अच्छी थी मेरी, और अभी लाइट भी नहीं है तो हो सकता है कहीं वायर टूट गई होगी। घर में आते ही चाय मिल गई है और रोटी भी बननी स्टार्ट हो गई है। रिसु, हाय ब्रायन बोल। हाय ब्रायन। कैसे हो? कैसे हो?
अच्छे से ढंग से हो। हाय ब्रायन, कैसे हो? रिसु का एक छोटा फ्रेंड है जो वीडियो में रिसु को काफी ज्यादा पसंद करता है, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट की थी कि उनका नाम वीडियो में लेना है। बाकी कल रिसु का बर्थडे है तो देखते हैं क्या होता है। और बर्फ़ तो पड़ी गई है, कल भी मौसम मुझे लगता है ऐसा ही रहने वाला है। हो सकता है कल भी बर्फबारी हो, तो यहाँ से मार्केट जाना भी पॉसिबल नहीं होगा फिर, तो देखते हैं क्या होता है कल। फिलहाल आज गया था मैं मस्त दो दो जैकेट लगा के ऊपर गांव में, तो अब तो अभी भी हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी लाइट नहीं है, शायद से वायर टूट गई है प्रॉपर, 3 घंटे हो गए हैं लाइट नहीं आ रही है। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय। मैं तो जल्दी जल्दी जाऊँगा अब, क्यों भाई लोगों? यस, बहुत बर्फ गिरी है यहाँ। हाँ, मुझे लगा रुई है। मुझे लगा रुई है, पहले पहले सबको ऐसा ही लगा हुआ। बड़े कमाल के जोक करते हूँ।